गया और निकम्मा होते भी नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा भी तू क्यों नहीं गया, कि मैं आपसे सियाल जी वाले का मुरीद हूं, मैं उठते जा सकता हूं। थोड़े दिन बाद सियाल जी वाले भी आ गए, वो फिर भी नहीं गया, हूं की बने कहते जी अभी अल्लाह वाले के मुरीद हाँ अभी उठते जावे, मन हरामी हुजतां ढेर। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं जब मैं अल्लाह ना तो उसको अपने नेक बंदों की सोहबत अता नाम है किया जो वध की होया है। ये नहीं पता कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह ताला ने नहीं, उसके बाद मैं खाना खा के फौरन तैयार होकर आपके पास आ गया हूं और आपसे होके अभी जस्ट मैंने फारिग होके यहां से इस्लामाबाद जाना, आज मेरा स्टे भी नहीं लिया, मैंने इस्लामाबाद के लिए निकल जाना है। मेरा कल सुबह ही प्रोग्राम इस्लामाबाद में है, कल रात को इस्लामाबाद है, परसों दोपहर में मेरा प्रोग्राम नौशहरा कैंट के अंदर है, फिर रात का प्रोग्राम मेरा फैसलाबाद के अंदर है। मेरी इसी तरह की रोज की मसरूफियत है, मैं रात बिहाड़ी के इलाके में पड़ी है, बाकायदा डेली प्रोग्राम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा एक्टिव सफर करके भी मेरे चेहरे पे थकान नहीं है। मेरा कमाल नहीं है, जिक्र मुस्तफा का कमाल ऊंचा बोलो सुबह फिर बोलो सुभान अल्लाह। आप यकीन करेंगे अगर आप इसी तरह ठीक है लव यू अदर विल वे अटेंटिवली लिसन टू माय लुक प्रेयर। बच्चा बड़ा मम्मी डैडी की समझ हजरत की सुना मेरी बच्चा बड़ा मम्मी डैडी बच्चा काफी पेट्रोल पंपों में जो टक शॉप होती है वो उन्होंने आपसे कहने लगे कहते खुदा की कसम स्वाद आ गया इस महफिल में, मैं दूसरी महफिल वाले तबला शबला घुंगरू शुंगरू ठुमका शुमका पीन पिनान हमें वो उस महफिल वाले कहते साड़ा बेली है इन्हें जो सामू किया ना कि महफिल यार हूं की करिए कहते साढ़े कुछ दोस्तों ने इशारा किया अख मारी उन्हें कह के चुप करके निकल जाओ निकल जाओ इन्हें क्या फिर कहते कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आ तो गए ही हैं तो चलो कोई प्रोग्राम करने जाते हैं वो करो सबसे पहले होता है। उनसे पूछा भाई क्या हाल है तुम्हारे कहते खुदा की कस्में हमने वो महफिलें बड़ी की हैं इस महफिल का मजा आ गया है हमने जब से ये महफिल देखी हमने वो महफिलें छोड़ दी हैं अब यही महफिलें करते हैं। नारे तकबीर अल्लाह के बंदो तुम दावत दिया करो हम डिसाइड हो जाते हैं बंदे से हम कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इसने तो आना कोई नहीं भाई किसने इधर देखना इशारे में मैं समझा रहा हूं भाई इसको दावत नहीं देनी कि जिनके पंग पीण आला है ये तो पंगी बंदा है इन्हें कितने आना है फैज ने किया यार इन दावत दे दी क्यों इन भी दावत देनी हाँ आप यकीन करते नहीं सकते जब उसकी रहमत को जोश आता है ना वो बंदे को हिदायत अता फरमाते हैं अल्लाह अकबर। अच्छा अब कोई बंदा सोच सकता था अगर
उज़ैर बिन अय्याद नाम वो कहते कि हम यहां से नहीं गुजरना, किस लिए कहते इसलिए नहीं गुजरना कि यहां का कब्जा है, बहुत बड़ा डर है। उनका वो मैं पक्की तौबा कर लेते, तौबा कर ली उसके बाद में कहा लूटे हुए माल का क्या करना है। उसने कहा भाई हमने तो तौबा कर ली है, चूंकि तौबा कर ली है तो यही कहो, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसको जाके वापस कर दे। उज़ैर बिन अय्याद जाके लोगों को पकड़ पकड़ के उनका माल उनको वापस करता फिरता है। लोगों से माफी मांग रहे, मैंने तुमसे ज्यादती जो की है मुझे राहे लीला माफ कर दो। वो फुज़ैल के जिसके नाम से हुक्मरान तब का पाया करते थे, डरते थे, उसने कहा मैं तुझे जरूर माफ करूंगा, तेरी नौकरी मुझे बहुत पसंद आई है, मगर बात यह है मैंने कसम उठाई थी कि मैं तुझसे पैसे जरूर लूंगा, दिरहम जरूर लूंगा, वो दीनार लूंगा। कहा वो तो है नहीं, यहूदी ने वो उसको खोला, जब उसे खोला तो उसने दीनार दे, उसने गिनती की तो 100 दीनार, यहूदी रोने लग पड़ा। उज़ैर कहने लगे रो क्यों रहे हो यार, मैंने पूरा कर दिया। कहने का जानता है मैंने तेरी बात की तमाम को चेक किया, एक एक निशानी जो मेरी किताब में लिखी हुई थी उम्मत मुस्तफा की, वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तूने बाकी पक्की तौबा की है कि नहीं की, कि हमारी किताबों में उम्मत मुस्तफा के मर्द औरत जब पक्की तौबा कर लेते हैं देता है तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ा और मुस्तफा के दामन से वाबस्ता कर दे। वो यहूदी मुसलमान हो गया। हम कोई बहुत बड़ा कोई बेटे हो, बहुत बड़ा तो पूजा, छोटा सा भी कोई टकेर हो ना, छोटे लेवल का हम वहां में जाते उसे ताकत है, हम डर जाते हैं। हम हमारे पेड़ के मौलाना बड़े सीधे साधे होते हैं, अगर वो साइकिल पे जा रहे हैं तो वो कहते साइकिल ही साइड से कर लो यार, ये आ रहे हैं यहां तकलीफ ना हो। वो चोर और वो डकैत उसको कहते चौधरी साहब सलाम होना, वो साइड पे हो गए। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो ब्रेक साइड पे लगा लेते हैं कि यार चौधरी उन्होंने तकलीफ ना हो, नीचे उतर के दावत दे दो उसको। नहीं ये बड़े सख्त लोग हैं, इन पे असर नहीं पड़ता। अबू जहल से ज्यादा कोई सख्त होगा? अबू जहल कि जिसने एक नहीं सैकड़ों की तादाद में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजदात को खुली आंखों से देखा, जो खड़े होकर ये कह रहा है मैं तुझे तेरा कलमा तो पढ़ लूंगा मगर मुझे ये बता कि मेरे हाथ में क्या है। और सरकार उसे फरमाए कि मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है वो बता दे। कहने लगा अगर ये बता दे तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके हाथ में कंकरियां थी, उन कंकरियों ने मेरे नबी पर दरूद भेजना शुरू किया। जब उसने सुना तो उसने फटाफट मुठी बोली कंकर फैल गए, वो बहुत बड़ा जादू कर रहा है, तेरा जादू तो इसमें चल गया है। मैं तुझे तब मानूं कि चांद के टुकड़े करके दिखा दे, चांद के टुकड़े कर दिए। अब बता तो तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, तेरा जादू तो आसमानों पे चलता है, मैं तो तेरा कलमा नहीं पढ़ता। बताने की चाहता हूं असली बदबख्ता मोहर लगी हुई थी उसके कलम रूप पर, खत्म अल्लाह वाला क्रूबे वाला समय वाला अब सारे निशावतम वाला मजाब अजीम मोरे सब कर दूंगा। इसके बावजूद मेरे नबी ससम ने उसको एक बार में रोज दावत देनी, आजा चंगा रहेगा, आजा चंगा रहेगा, आजा आजा। बताते हैं कि एक शब खूब झक्कर चढ़ रहे थे, अंधेरी थी, तूफानी रात थी,
मक्का मुकरमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले भू जैल के खड़े, उसको जाकर कहा कि कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नहीं माना हजूर वापस आए, फिर गए फिर आए फिर गए, एक शब में कई बार मुस्तफा आकर तशरीफ ले गए ले आए, हालांकि हजूर की खत्मे नबूवत ने रिसालत भरी आंख ने देख रखा था कि इसके हिस्से में हिदायत नहीं है, मगर फिर भी मेरे नबी का करम देखो, फिर जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे घर की चार दीवारी में हमारा भाई बेनमाजी, हमने कभी दावत नहीं, अब्बा जी नमाज नहीं पढ़ते, हमने कभी कैसे नहीं की, माँ हमारी नमाज नहीं पढ़ती, हमारा एजेड दादा दादा जिसकी टांगे कब्र के पास था नियर डेथ है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, हमने कभी दावत नहीं, नानी बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, बच्चे बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, हम दावत देने को तैयार नहीं है कि क्या कह रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गो, दावत देने में तुम्हारा क्या जाता है, अगर आप दावत देंगे आपकी हैसियत एक मुबल्लिग की होगी, मुबल्लिग क्या बोला, और जानते हो मेरे आपको समय फरमाया मुबल्लिग इस्लाम जब एक नेकी करता है रब्बे करीम उसको एक नेकी के बदले में एक साल की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमा देता है। आपने कहा अलिफ, मैंने कहा अलिफ, आपने पढ़ा लाम, मैंने कहा लाम, आपने कहा मीम, मैंने कहा मीम, एक हर्फ के बदले में दस नेकियां दस गुना माफ दस दर्जे बुलंद, मगर अब आप यकीन करें जब मुबल्लिग इस्लाम कुरान हकीम की तिलावत करता है जो नेकी का हुक्म देता है बुराई से रोकता है, वो जब तिलावत करता है पढ़े अलिफ रब्बे करीम दस नेकियां नहीं दस साल की मकबूल इबादत का सवाब उसके नाम आया माल में लिखवा देगा, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, क्या के बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। तो दावत देने में क्या है, ये तो उम्मत ऐसी उम्मत है इरादा कर ले तो अल्लाह इरादा लिखवा देता है, इरादा किया ना इरादा नेकी का इरादा किया, अल्लाह ताला फरमाता है इसका इरादा लिखो, क्या लिखो इरादा लिखो, भाई इरादा क्या किया, मैं आज घर आऊंगा अपनी अम्मा को मैं फलां चीज खिलाऊंगा, अगर खरीदी नहीं है अभी इरादा किया, आज मैंने जाकर फलां चीज खैरात करनी है की नहीं है, आज मैंने सुबह उठ के ताजियत पढ़नी है पढ़ी नहीं है पढ़ी नहीं है, इस उम्मत का इजाज देखो इरादा किया, अल्लाह फरमाते हैं इसका इरादा लिखो, जब वो इरादा लिख लिया उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जिस वक्त वो नेकी के लिए निकलता है अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं नेकी लिखो, वो लिख ली जब वो मंजिल पे पहुंचता है अल्लाह फरमाता है मंजिल पे पहुंचना लिखो, वो लिख लिया जब वो ताजियत पढ़ रहा है अल्लाह कहता है पढ़ना लिखो, सुभान अल्लाह। और ये उम्मत अगर खुदा ना खासकर गुनाह के लिए निकल पड़े तो जब वो निकलती है इरादा करता है गुनाह करने का, अब ये फरिश्ता लिखने लगता है गुनाह ने क्यों, अल्लाह फरमाता है मत ले, कहते किस लिए, अल्लाह फरमाता है इसने गुनाह किया थोड़ी, कहते या अल्लाह इसने इरादा कर लिया है, इरादा ही किया है ना गुनाह तो नहीं किया, मत ले नहीं लिखा, अब वो गुनाह करने के लिए निकल पड़ा है घर से, ये लिखने लगता है अल्लाह फरमाते क्या कर रहे हो, कह या अल्लाह इरादा करके अब जा रहा है गुनाह करने बदकारी करने जा रहा है शराब पीने जा रहा है जिना करने जा रहा है चोरी करने जा रहा है डकैती करने जा रहा है कत्ल करने जा रहा है, अल्लाह फरमाते किया तो नहीं ना, ये नहीं किया मत ले, अच्छा नहीं लिखा अगली भी सुनो, अब उसने चोरी कर ली है जिस काम के लिए गया था, उसने डकैती कर ली जिस काम के लिए किया था, उस बंदे ने बदकारी कर ली जो करना था गुनाह कर लिया, अब ये फरिश्ता लिखने लगता है अल्लाह फरमाते क्या कर रहे हो, कहते या अल्लाह आप तो गुनाह कर लिया है, किया है ना लिख, या अल्लाह आप तो कर लिया है
कहा ठहर जा, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले। नहीं आवाज नहीं, नहीं आवाज नहीं, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले। तो ये फरिश्ता कहता है या अल्लाह अगर तौबा कर लेगा तो फिर अल्लाह फरमाता है करके तौबा कर ले मत लिखना, गवाह हो जाओ मैं इसके गुनाह भी माफ करूंगा और पक्का हो गया तो मकाम महबूबियत भी अता फरमा दूंगा। ये था गुनाह। और अगर वो नेकी के लिए निकले, आए मस्जिद में आने वालों, वजू करके यहां महफिल में शरीक होने वालों, घर से निकले फरमाया इरादा लिखो, इरादा लिख लिया, अब जो निकला अल्लाह फरमाता है हर हर कदम के बदले में साल साल की मकबूल इबादत का सवाब लिख लो। अब मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे आना लिखो, अब जो तुमने हक होती ना जो कह रहे सुभान अल्लाह, भाई यहां ना आते तो ये थोड़ी करते, यहां ना आते तो जरूर कहां पढ़ते, पता नहीं किस हाल में होते। अब अल्लाह फरमाता है लिखो इसकी सुभान अल्लाह लिखो, और लिख कह और लिख और लिख और लिख और लिख दरूद लिख बोले और ले, ये देख इसने मेरे नबी की हदीस सुनी, इसने मेरे कुरान को सुना है बोले। वो कहते या अल्लाह ये यहां ना था तो जहां होता पता नहीं क्या कर रहा होता, आया है तो ये कर रहा है, आया है तो सुन रहा है। वो कहता इरादा लहदा ले, चलना लहदा ले, पहुंचना लहदा ले, हर अमल उसकी बहुत सारी निशानी है। उन निशानियों में एक निशानी यह है जो चीज वो अपने लिए पसंद करता है वो एक भाई के लिए पसंद करता है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब आप घर से निकले आपको पता था हम कहां जा रहे हैं, तो अगर पड़ोसी को दावत दे देते तो क्या कहता था, भाई तुम्हारा इतना बड़ा चार शुमाली है। मैं अभी सरदार साहब से रास्ते में बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये चियाड़ सुमाली की आबादी इतनी बड़ी आबादी है, अगर ये सारी आबादी के लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक ग्राउंड में प्रोग्राम करना पड़ जाए। हमने दावत का जो हमें करना चाहिए हमने दावत नहीं, दावत का तरीका है। मुझे एक दो दावत है, मैं छोटा सा था उस फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उसने मुझे आके दावत दी, आप यकीन करेंगे उसका कोई इखलाक ही ऐसा अच्छा था। मैंने उसे अपनी माजूरी बयान की, मैंने कहा मैंने कॉलेज जाना है सुबह तो मैं नहीं आ सकता सॉरी। तो उसने कहा कि आप ऐसे करें कि थोड़ी देर आके आप चले जाए। मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा कि यार मैं सफर करके आऊंगा जाऊंगा सुबह, मेरे कॉलेज ज्वाइन करना है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप आए तो सही, आप आए एक दफा तो इंशाल्लाह आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और उसका कोई इखलाक ऐसा था, मैं चला गया, जब मैं गया ना गया मैं भी दो मिनट के लिए पांच मिनट के लिए था, मगर उनका सारा प्रोग्राम अटेंड करके फिर वापस आया हूं। चट्टी ना मुकता है पर दिल से दावत दिया करो अल्लाह के बंदो। ये हमारे लाहौर के करीब के संगी सूफी अय्याज साहब यहां बैठे, ये वहां फैक्ट्री में काम करते रहे, आप यकीन करें यंग बच्चे, उन्होंने जाके दावत देनी फैक्ट्री के दोस्तों को। एक दोस्त कह रहा है मेरे कपड़े तो हो गए थे फिर मैं जावांगा, उन्हें के लिया अपने कपड़े लिया, वो कपड़े सारे हफ्ते के मैले उठा के हमारे संगी को दे दिए, तो हो गए थे फिर तेरी मैं फिर जावांगा, उन्हें तो दिए। दूसरा गया एक के पास, आ जाओ तेरे ले जाइए, कहना मेरे कपड़े इस्त्री करके दे फिर जावांगा, लो जी उसके कपड़े आयरन कर। एक ने कहा मुझे शू पॉलिश करके दे, उन्हें शू पॉलिश करके दे दी। यार बात यह है हम जाते हैं तेरे साथ हम कढ़ाई खाएंगे, उसने कहा कढ़ाई पिलाऊंगा चाय पिऊंगा तो फिर चाय पिलाऊंगा। ऐसे बरकर बच्चे उनको ला ला के, अच्छा कढ़ाई वाला ना पांच सात मरतबा उसने हमारे संगी से कढ़ाई खाई और उसके बाद उसने कहा आप ही मुझे कढ़ाई भी खिलानी है, कहते हूं मैं कढ़ाई खानी नहीं हूं खवाऊंगा तेनों। आप यकीन करें कि शराबी बच्चे जानी बच्चे जिनको वो पकड़ पकड़ के लाते थे फैक्ट्रियों का माहौल, जो आप में से काम करते उन्हें पता है कि फैक्ट्री के रूम में क्या होता है,
उन बच्चों को लाके आज उनके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, जुल्फे हैं, पगड़ियां हैं, टोपियां हैं, सुभान अल्लाह, वो रब रब करते हैं बैठे। तो मैं आपको दावत फिक्र दूंगा, आपने दावत देनी है, देनी है कि नहीं देनी? पेंशनर भी है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, फरमाया वासिया रहमत कुल्ला शय, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत हर शय से वसी तर है, सुभान अल्लाह। और ये तो हमने इश्क मुस्तफा पैदा करना है लोगों के दिलों में, हमारा मकसद वोट नहीं है, नोट नहीं है, हमने लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा करना है, सुभान अल्लाह। और इश्क रसूल की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे कोई वजीफा इरशाद फरमा दो, इसलिए कि मेरे दिल में आपकी और मोहब्बत बढ़ जाए, सुभान अल्लाह। मेरे हबीब ससम ने फरमाया, दरूशी पढ़ा कर, मेरी जात पे दरूद भेजा कर। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर फिर मुझे वक्त मिल गया मैं क्या करूं? फरमाया, दरूद भेजा कर। कहता, या रसूल अल्लाह, अगर फिर वक्त मिल गया मैं क्या करूं? फरमाया, मेरी जात पे दरूद भेजा कर। चौथी बार फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर फिर वक्त मिल जाए तो मैं क्या करूं, और क्या पढ़ूं, यानी और भी वो वजीफा बताएं कि मेरे सीने में आपकी मोहब्बत बढ़ जाए। मार के लिए नहीं बैठे, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरी जात पे दरूद भेजा कर। कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे चेहरे की कसम, अब मेरा सुबह और शाम का फिर तो बयान भी यही होगा, मैं आपकी जात पे दरूद और सलाम भेजा करूंगा। बिल्कुल सुभान अल्लाह, बिल्कुल खुद भी दरूद भेजा करोगे, दोस्तों को भी दावत दिया करो। प्यारे बच्चों, आप जहां बैठा करें ना, इधर उधर की बात ना किया, जहां बैठे सरकार दिया गल, जिनके बैठे हैं महबूब दिया गल, कोई किसी की बात करे, कोई किसी की इधर उधर की छेड़ने लगे, आप ना वो फलाना मुंडा इधर छो ना, फलानी कुड़ी इधर नहीं, और छो आ सरकार दिया गल करिए, सुभान अल्लाह। कोई शायर क्या कहता है, गल्ला करो मदनी मन हार दिया, रीसा नहीं दे मेरी सरकार दिया, गल्ला करो 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 ने।
काफी देर ही खड़े रहे। हमारे आका को बड़ा प्यार आया, हजूर मदीने से चल के हमारी मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। और ये जो दरवेश था ना, ये आंख बंद करके बैठा था, तो ये हजूर इसके ख्वाब में आए हुए थे, तो ये ख्वाब में हजूर को देख रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे आका हमारे इस मस्जिद में तशरीफ लेकर आए हैं, तो मैं अदबे रसूल के लिए मिंबर से उतरा और हाथ बांध के खड़ा था। असल में मैंने इसके सामने हाथ नहीं बांधे, मैंने उनके सामने बांधे जो इसके ख्वाब में आए हुए थे। तो मेरे भाइयों, ऐसी महफिलों में आओगे को ऐसा होगा ना। सुभान अल्लाह। इमाम गिजाली अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि एक शख्स को ख्वाब में हजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। और दुआ करो हमें सबको नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई ना, तो हजूर ने अपना रुख अनवर इधर फेर दिया। गिजाली फरमाते हैं वो बंदा इस तरफ आ गया, जब इधर आया ना तो हजूर ने अपना रुख अनवर इधर फेर दिया, तो वो फौरन से पहले इधर आ गया। जैसे वो इधर आया, हुजूर ने यूं मुंह कर लिया। तो जब वो इधर आया तो आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं है, मुझे पहचाना नहीं आपने। तो सरकार ने फरमाया मैंने वाकई तुझे नहीं पहचाना, है तू कौन है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूं। गिजाली फरमाते हैं जब ये सुना तो मेरे आका ने फरमाया अच्छा तू उम्मत ही है। हाँ, मैं तो अपनी उम्मत ही की पहचान दरूद और सलाम के साथ करता हूं, तू तो मेरी जात पे दरूद ही नहीं भेजता, तू तो दरूद ही नहीं भेजता, तो मैं तो उम्मत ही की पहचान दरूद के साथ करता हूं, तूने तो कभी दरूद ही नहीं भेजा मेरी जात पर, तो मैं तेरी पहचान क्या करूं। इमाम फरमाते हैं उसकी आंख खुल गई, आंख खुली और उसने तौबा भी की और रोता भी रहा कि यार हजूर ने यहां पहचानने से इनकार कर दिया, हशर में अगर ऐसा कर दिया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बिना मुस्तफा की सफारिश के बख्शिश नहीं होनी। तो उसने दरूद कसरत से पढ़ना शुरू किया। गिजाली फरमाते हैं कि कुछ दिन गुजरे, उसे दोबारा सरकार दुआलम की जियारत नसीब हुई। जब जियारत नसीब हुई ना, तो वो सरकार के सामने खड़ा है और कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं भला कौन हूं, मैं कौन हूं? फरमाया तू मेरा उम्मती है, तू मेरा उम्मती है। कहते या रसूलल्लाह आपने पहचान लिया? हाँ मैंने पहचान लिया, तू मेरा उम्मती है इसलिए कि आप तू मेरी जात पे दरूद भेजता है। सुभानअल्लाह। लोग कहते हैं इत्तेफाक है, मेरे भाई इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक से तो आप भी इस मस्जिद में नहीं आए, इत्तेफाक से तो मैं भी नहीं आया, आप भी एक प्रोग्राम के तहत आए, मैं भी एक प्रोग्राम के तहत आया, इत्तेफाक नहीं है। खुदा की कसम, मैं समझता हूं कि वो बंदा बाकी सारे अच्छे काम करता था, दरूद में बुगल करता था, इसलिए उसको फरमाया दरूद भेजा गया।
जब दरूद शुरू किया तो आका ने फिर उसको इनाम के तौर पर दोबारा अपना दीदार अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो दरूद में बुखल ना किया करो, आका पर दरूद भेजा करो। और ये ऐसा अमल है, आप यकीन करो इससे चेहरा मुनव्वर हो जाता है। प्यारे बच्चों, हर बंदे का दिल चाहता है कि मेरा चेहरा बड़ा सोहना हो, मेरा फेस अट्रैक्ट करे, जो मुझे देखे देखता रह जाए। इसके लिए लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। पहले सिर्फ बच्चियां जाके ब्यूटी पार्लर की खिदमत लेती थी, अब नौजवान बच्चे जाते हैं कि मेरे फेस पे कुछ मल लो ताकि मेरा फेस अट्रैक्ट करे। फकीर दावत से फिक्र देता है, अपने नबी पे कसरत से दरूद भेज, तेरे फेस में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अगर किसी दोस्त को बीमारी हो, मुंह से बदबू आना यह भी एक बीमारी है। एक है दांतों की बदबू, एक है दांत भी साफ किए इसके बावजूद मुंह से गंदी बदबू आती। तो मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि रसूल कुनैन सुसम की जात पर कम से कम 100 मरतबा डेली की बिना पे आप दरूद भेजकर पानी पे फूंके पानी पी लें, जिक्र मुस्तफा का सदका रब्बे करीम इस बीमारी से आपको निजात अता फरमा देगा। अजूदा फरमूला है, किसी घर में बच्ची बच्चा पैदा होने वाला हो, दर्द लगे हुए औरत को, बंदा बड़ा परेशान होता है। आजकल तो हम फौरन से पहले डॉक्टर की खिदमत लेते हैं, वहां पर ऐसे जालिम डॉक्टर बैठे हैं, छुरियां मुगदे उनके तैयार होते हैं और वो कहते हैं ऑपरेशन होगा। और आजकल जितनी बच्चियां मारी जा रही हैं, ऑपरेशन के बिना बच्चे नहीं होते। पता नहीं हमारी नानी दादी ने कैसे बच्चे पैदा किए थे, हम पता नहीं कैसे बगैर ऑपरेशन के, क्यों कोई साल पत्नी थी कि वे जानते। अब तो नाराज ना होना भाई, हाल कोई नहीं। आजकल मैं आपको दावत फिक्र दूंगा, घर में अगर ऐसी बहू बेटी दर्द लगे हुए, बच्ची बच्चा होने वाला है और वो तकलीफ के अंदर है, 100 मरतबा वजू करके इंशाल्लाह जिक्र मुस्तफा का सदका बगैर तकलीफ और ऑपरेशन के बच्चा हो जाएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको समझ आई तो फिर सुभान लगे। हाँ, अच्छा बुखार नहीं उतर रहा, बुखार नहीं उतर रहा, आपका बीपी लेवल हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेरी एज के भी बुजुर्ग बैठे हैं और मेरी एज से ज्यादा के भी बैठे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर गड्डिया से बहन आए हो, तुसी गड्डी से बहते हो ते बाद जाने हो, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब मैं चंगा भला खुदा की कसमें करूं निकलिया, मेरी गड्डी बज गई, बड़ा परेशान है, किसे कमीने ने नजर। बाद लोगों की नजर ऐसी होती है कि पत्थर पाड़, और ऐसी नजर लगाते हैं कि अगले का काम का मंजी ठोक देते हैं। तो बेचारा बड़ा परेशान होने पर, इसमें मेरा बड़ा मुफस्सल बयान है नजर बद पे, फेसबुक पे मेरा नाम क्लिक करें ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको तो इसमें मेरा मुफस्सल बयान है, आप उसमें सुन लें। मैं आज की जो बताना चाहता हूं वो सुने, एक दम सुभान लगे आप, फिर कहें सुभान अल्लाह। नजर खा जाती बंदे को, आप दरूद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो दरूद ही पढ़ के गाड़ी पे फूंक दिया करो, दरूशी पढ़ के मकान पे दम कर दो, और जब खुद समर के बन रहे बन के कहीं शादी भी आप जा रहे हो ना तुम हैं, और प्यारे बच्चों रेडी होके लश पश हो के जब तुम निकलो, इससे पहले कि बार किसी की नजरें बद लग जाए, दरूशी उनके चेहरे पे फेर दिया करो, दरूद की बरकत से, दरूद वाले की बरकत से अल्लाह करीम तुम्हें नजरे पास से महफूज फरमा लेगा। फायदा इधर उधर की गपशप लगाने में, हजूर का जिक्र करने में बरकत देखो, कयामत बपाओगी।
आज के दिन नेकियां लेने के लिए, क्योंकि मेरी नेकियां कम हो गई थी, मैं अपनी मां के पास गया, अम्मा थोड़ी सी नेकियां दे दे मैं बख्शा जाऊं। मां ने कहा मैं नहीं जानती तू कौन है, इतने और से देख, और से देख दिया पहचाना कितने मुझे गौर से देख, फिर देखा कहता है पहचाना तो नहीं मगर एक बात है आप हैं बड़े सोने। क्या बोला, बोला ना सोने बड़े हैं। और सब सोने तो सोना अपने घरों को छोड़कर बस्तियों को छोड़कर आने वालों, हाजत साहब क्या फरमाते हैं, अगे या रसूल अल्लाह, वो भी हजूर की तलाश में फिरते हैं जैसे हम फिर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तती थी जो गण चौधार फिरा, 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 सिर पंजाब ते भार फिरा, सिर पंजाब ते फरीद दा बैत हुज़न इमरोज अज़ल दी तांग तलब सब सोने तो सोना है, 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 तेरा सुहाना सुहाना नारे
बोलो सुभान अल्लाह। हाँ कैसे कैसे आशिक पैदा हुए हैं। अदे तत्ती ती जोगण चोधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा सुंजबार ते शहर बाजार फिरा मत यार मिलम कई सांग सबा। तुसी भी सरगोदे जाते हो असी भी जाने हैं, तुसी भी पुशाब गए असी भी गए, तुसी भी धरे में गए आपा भी गए, तो कोई किथे जाता है कोई किथे जाता है, अपने काम दे नाल जाता है, कोई पेट्रोल पवाण जा रहा है कोई डीजल पवाण जा रहा है बाहर, कोई सिलेंडर भरवाण जा रहा है, कोई ग्रासरी का सामान लेने के लिए जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई किड़े काम दे नाल। ये पाक लोग क्या बताते हैं, कहते हैं मैं तो या रसूल अल्लाह जिथे बार जाना तेनू लभदा फिरना तेनू, हाय हाय मैं जिथे जाना तेनू लभदा। और सुने असी मुर्शिद को अव्वल तो जाते कोई नहीं, दोम अगर मुर्शिद को चले भी जाइए उत्ते भी साढ़ा इो रोला आता है जनाब दुआ करो मेरी मज नवा दुध नहीं आती पी नवा दुध हो जाए, है मेरी गां नवा दुध नहीं आती पी नवा दुध हो जाए, हजूर साढ़े किले ते जानवर नहीं टिकता कोई दुआ करो साढ़े किले ते जानवर टिक जाए, हजूर मेरी शादी नहीं आती पी दुआ करो मेनू बुढ़ी लभ जाए। अच्छा तो दोम अगर लभ गई तो जनाब बुढ़ी गल नहीं मनती दुआ करो शाला मेरी परमा बरदार हो जाए, हजूर मेरा बच्चा गल नहीं मनता दुआ करो मेरा बच्चा मेरी गल मन लवे, हजूर मेरा ये हो गया मेरा हो गया। हम इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, हम इस तलाश में नहीं होते कि शायद मुर्शिद खाने जाइए तो सानू इतने सोना भी लग जाए। बाकी सारी बातें ठीक है मगर कभी हजूर की भी तलाश किया कर, कहते यार समझा तुम सोने बड़े हो अजय एक गल दसो। पर मैं पूछ कहना महबूबा एक पलड़े दे विच मेरे गुनाहों के अंबार लगे पे, दूसरे पलड़े दे विच छोटा जिहा कागज का पुरदा तुसी रख छड़िया, इहदे जिहड़ी ताकत मैं ते देख के हैरान होया खड़ोता, इत्थे मेरा रजिस्टर भरे पे मेरे गुनाहों के मेरे पापा के, मैनू पता है मैं किहड़ा किहड़ा गुनाह कीता है, ते महबूबा इहदे सारा छोटा जिहा कागज एक पुरदा रखिया तुसी, उहदे इन्ना वजन है इन्ना भार पै गया कि मैनू फरिश्ते कहने रात इन बैठते लैके गए, ये मैं दस तो सही तो लिखा कि जो कागज का पुरदा तू सारे सरकार की फरमाने हदीस पाक में आते सरकार फरमाने मेरा उम्मती जिंदगी एक दफा मुहब्बत के नाल प्यार के नाल तू मेरी जात ते दरूद ओ सलाम दा नजराना पेश कीता सी, मैं तेरा दरूद भेजे होया अज दे दिन वास्ते संभाल के रखिया, जा मेरा मौला दरूद दी बरकत नाल तेरे गुनाह माफ करके तेनू दाखले जन्नत फरमा रिहा। दरूद भेजा करो अपने आका, भेजोगे कि नहीं भेजोगे, जिते बैठा है इधर उधर दिया गप्पा नहीं बैठा, दरूद उठिया दरूद बाहर गया दरूद सुभान अल्लाह, गड्डीए बैठा गड्डीए बैठ दरूद शरीफ सुभान अल्लाह, हैं थले उतर दरूद रोटी खान तो पहले दरूद रोटी खा के दरूद अजान तो पहला दरूद अजान के बाद दरूद दुआ तो पहला दरूद दुआ के बाद दरूद सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ताला में ऐसा इश्क अता फरमा दे, अगर ऐसा इश्क चाहिए तो ऐसी सोचों में आया करो ऐसी महफिलों में आया करो, अल्लाह वालों से निस्बतों को जोड़ो इनकी सोबत में आया करो, इनके पास आने से ईमान की बैटरियां भी चार्ज हो जाती, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपका आना बैठना खर्च करना कबूल फरमाए, ओ आमीन फिर बोलो आमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज मैंने जैसे बताया मैंने अभी सफर करना है इस्लामाबाद जाना है, कल हमारा एक प्रोग्राम सुबह में है एक रात में इस्लामाबाद के अंदर, और इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम परसों फिर हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह नौशहरा कैंट के अंदर है, और जुमे का बयान है रात फैसलाबाद, और इसी तरह ये मुकम्मल दौरा होता है तो फिर आस्थाना शरीफ पे मुल्तान शरीफ सालाना अजीम शान मरकजी जश्न मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब जहीद इस साल इंशाअल्लाह 2 मार्च को होगी, कौन सी तरीक है भला 2 मार्च, कौन सी तरीक है 2 मार्च, 2 मार्च बरोज हफ्ता डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ सालाना मरकजी प्रोग्राम है, हर साल ये 2 यहां से मोहतरम हजरत सूफी फैज रसूल साहब।